लेकिन सर एक सवाल बड़ा आता है इसमें, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि ओके लाइफ में आप बोलते हो कि आईडी लगते ही एक्टिव होगी, एक्टिवेशन कोई चार्ज नहीं है, आप बोलते हो कि आपको पे आउट लेने के लिए कोई रिपर्चेज नहीं करनी है, आप बोलते हो कि मेरा रैंक के खिलाफ हो, आप बल्क सेल के खिलाफ हो, यहां तक कि आपने, मैं ये दिखाऊं कि जैसे मैंने एक BMW परचेज की, एक रेंज रोवर लिया, प्रदीप भाई ने एक BMW ली, फिर एक आपका फॉर्च्यूनर लिया, ध्रुव ने अगेन एक मर्सिडीज परचेज की, और भी कई सारी टीम में गाड़ियां आई। सर एक बात था ना सर, इसको ये तो हमारा अचीवमेंट था ना, इसको प्रमोट क्यों नहीं करते? अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक बार भी आपने हमारी गाड़ियों के हमें प्रमोट किया स्टेज के ऊपर में कि आपको बिजनेस नहीं चाहिए? बिजनेस तो इससे बढ़ता है, लोग कर ही रहे पीछे से ऐसा। तो आज हम यदि हम एक्टिवेशन को कुछ 500 रुपए भी रख दें या रीपर्चेज हम प्योर कुछ भी रख दें या हमारी जो अचीवमेंट को हम प्रमोट करें एज ए कंपनी के थ्रू, तो सर उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा और कंपनी का बढ़ेगा? ये सर एक बड़ा खड़कता सवाल है। अखिलेश जी पहली चीज को समझिए जी, जिन कंपनियों ने रखा हुआ है उनके पास दो दो चार चार करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो खरीद लेते जी तो उनका धंधा हो जाता? जी 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 बिल्कुल। इसका मतलब जिन्होंने रखा हुआ है उनके पास भी लोग खरीदते नहीं है? ओके, खरीद कौन रहा है? जिसका पे आउट बनता है, जिसे पे आउट लेने के लिए खरीदना पड़ता है। जी बिल्कुल सही है। वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो पे आउट लेने के लिए खरीद रहा है जी। तो ये कंडीशनल परचेज है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी होने वाली, क्योंकि मैं अफोर्डेबल प्राइस दे रहा हूं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा हूं, अच्छी पैकेजिंग दे रहा हूं, वैल्यू फॉर मनी दे रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट में दम होगा तो खरीदेगा, मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा तो खरीदेगा। मजबूर होके अगर खरीद रहा है तो वो मेरा कस्टमर थोड़े है जी। मैं उसे कस्टमर के तरीके से नहीं ले सकता। जब आप कंडीशनल परचेज कर देते हो तो आप कस्टमर नहीं बना रहे हो। अच्छा, कैसे कस्टमर हुआ? आप मुझे बताओ, वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं, वो आपके प्राइस से सेटिस्फाई नहीं, वो आपकी वैल्यू फॉर मनी से सेटिस्फाई नहीं, वो सिर्फ इसलिए ले रहा है कि उसे एक्टिवेट होना है, बिजनेस करना है, या वो सिर्फ इसलिए ले रहा है कि उसको पे आउट लेना है और परचेज कर रहा है, इसमें कस्टमर कहाँ है? सर यहाँ तक तो ठीक है सर, लेकिन जो हमारी अचीवमेंट्स को प्रमोशन करके, इसको अलग तरीके से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिलेश जी आपने कमाया, आपने खरीद लिया, किसी ने आपको कहा खरीद लो? नहीं, आपने खरीद लिया, शौक था जी, ले लिया, ले ली, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन क्या आपको लगता है इस इंडस्ट्री में आने वाला हर एक आदमी उसे ले सकता है? हाँ, काम करेगा तो ले लेगा, जैसे मैंने लिया। हर एक ले सकता है? हर एक तो सर संभव नहीं है जब तक। तो जो चीज सबके लिए नहीं है उसको कैसे प्रमोट कर लोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, इससे क्या होता है, कुछ लोग आपसे इंस्पायर्ड हो जाएंगे जी। और वो उस पैसे पे खरीदना चाहेंगे जिस पैसे में उसका घर बड़ी मुश्किल से चलता है। तो गाड़ी तो ले लेंगे लेकिन उसकी फैमिली सफर करेगी। वो अगर घर ले लेंगे तो उसकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगी। वो जो किस्तें आप गाड़ी की पे करते हो, वो किस्तें अगर वो पे करें अपने घर की, तो उसकी फैमिली ज्यादा सपोर्टिव होगी, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मोड पे होगी, ज्यादा अटैच होगी कंपनी के साथ। आप गाड़ी ले आए, आप लग्जरी गाड़ी ले आए, आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में आपने नहीं पढ़ाना शुरू किया, आप उनके लिए सेविंग नहीं कर रहे, आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे, आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे, या आप किराए के मकान में रह रहे हो, मुझे बताओ वो लग्जरी कार की वैल्यू क्या आएगी आपकी फैमिली में? फील्ड में तो हो सकता है आप सेंसा बन के निकल जाओगे, लेकिन क्या वो कार आपको आपके घर में सेंसा बनाएगी? ओके, मतलब मैं ऐसे समझूं कि यदि घर पे सबको सेटल कर दो, एक्टिविटी कर दो, बच्चों का सब सेट कर दो, फिर तो वैन, जब आप अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी कर देते हो तो आप अपनी लाइफ में जो करना चाहोगे करोगे ना। इफ यू आर सक्सेसफुल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जी। लेकिन अब मैं ये कहूं मैं उसका हवा बना दूं और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर दूं कि वो भैया पहले गाड़ी लो तो तुम्हारी लाइफ ये हो जाएगा, नहीं सर, वो ना मेरी आइडियोलॉजी थी ना है। मेरी आइडियोलॉजी ये है कि डायरेक्ट सेलर सपने अगर कोई देखता है तो पहला सपना ये देखे कि मुझे मेरे घर को अच्छा बनाना है, मुझे मेरी माँ को, फादर को, वाइफ को सपोर्ट करना है, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। पहला सपना डायरेक्ट सेलर का ये नहीं होना चाहिए कि मुझे फील्ड में ये दिखाना है मैं सेंसा हूँ। उसका पहला सपना ये होना चाहिए वो घर में जाके ये प्रूव कर सके कि मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ, माई लाइफ इज फॉर माई फैमिली। आप जब एक लग्जरी कार लाते हो और पीछे से आपकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही होती है, आपको क्या लगता है वो फैमिली को ये नहीं लगेगा ये बहुत सेल्फिश आदमी है और अपने लिए दौड़ रहा है और अपने लिए कार ले आया और फैमिली के लिए कुछ नहीं करता है? तो आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट नहीं है, आइडियोलॉजी बहुत प्रैक्टिकल है।
मतलब दो बातें मैं बोलूंगा, कुछ लोग बोलेंगे डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, प्रैक्टिकल है। मैं हमेशा कहता हूं कि सपने देखो और बड़े सपने देखो, और बड़े सपनों में सबसे बड़ा सपना अगर कोई है तो ये है कि अपनी फैमिली को हैप्पी रखना। इससे बड़ा कोई सपना नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा सपना है। सबसे बड़ा सपना देखना है तो सपना ये देखो, अपनी फैमिली को हैप्पी रखना है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अपने पेरेंट्स को सुखी रखना है, अपनी वाइफ को एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग देखनी है कि ये तुम्हारा घर है और अब तुम्हें किराया नहीं देना पड़ेगा। एथिक्स है क्या जो सर डे वन से आप लेके फॉलो करके आज भी है और लगता है कि आप भविष्य में हमेशा टिके रहेंगे? जब आप राइट प्रमोशन करते हैं, जब आप गाड़ियों वाड़ियों का हवा नहीं दिखाते हैं,